अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम सलमान हुसैन है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने चैनल पे मुकम्मल कोर्स अपलोड करूं, फर्स्ट ईयर कॉमर्स का, सेकेंड ईयर कॉमर्स का सिंध बोर्ड के हिसाब से। और उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अकाउंटिंग मैथ स्टेट्स का मुकम्मल कोर्स अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, फिर मैं बीकॉम के हवाले से भी बात करूँगा, बीबीए और एमबीए के हवाले से भी बात करूँगा, कोर्सेज के टॉपिक सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आज हम हमारी बैंक रिकॉन्सिलेशन सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है। प्रीवियस तीन वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं। प्रीवियस तीन वीडियो में हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन क्यों बनता है, किस लिए बनता है, कौन बनाता है और तमाम के तमाम साइन जो हैं C+, C-, B+, B- के बारे में डिटेल में बात की है, विद एग्जांपल बात की है हम लोगों ने। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको साइन नहीं आते तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, 5-10 मिनट की वीडियोज़ हैं तो वो क्लियर हो जाएगा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। 2013 प्राइवेट का सवाल है ये, आपके 10 ईयर से खाली ट्रेडर का कि सवाल मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अगर वीडियो में सॉल्व करता तो आपकी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, तो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ खाली ट्रेडर रिवेल द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एज पर कैश बुक 12,000, एज पर बैंक स्टेटमेंट 37,000। आपके दो बैलेंसेज हैं, सबसे पहले तो आपने लिख दिया यहाँ पर खाली ट्रेडर, जो भी कंपनी का नाम गिवन होगा। उसके बाद लिखा आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो हमारे टॉपिक का नाम है। उसके बाद जो मंथ है, फॉर द मंथ ऑफ December 31, 2012। ये तीन हेडिंग कंपलसरी है स्टूडेंट, एक भी हेडिंग आपने स्किप की तो 2.5 मार्क्स होते हैं आपके इसके पूरे के पूरा जो आपका फॉर्मेट है इसके, तो इसको यू हैव टू फॉलो। आगे चलते हैं, फर्स्ट हेडिंग कुछ टीचर डेट की दलवाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीरियल नंबर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस सवाल में नंबर गिवन है और आमतौर पर नंबर ज़्यादातर गिवन होते हैं, डेट बहुत कम लिखा जाता है। डेट कब लिखेंगे, जब डेट गिवन होगी, जब पॉइंट्स गिवन होंगे रोमन में या काउंटिंग गिवन होगी 1, 2, 3, तो वो फिर हम सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद पार्टिकुलर, फर्स्ट कैशबुक का, देन बैंक स्टेटमेंट का हमारा कॉलम आ गया। अक्सर टीचर यहाँ पासबुक भी लिखवाते हैं तो वो कोई इशू नहीं है। आगे चलते हैं, दो बैलेंस गिवन है, बैलेंस एज पर कैशबुक 12,000, मैंने कैशबुक के कॉलम में 12,000 लिख दिया। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 37,000, मैंने 37,000 मेंशन कर दिया जी। अब मुझे बताएं क्या मुझे बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत है या नहीं है, ज़रूरत है या नहीं, हमें कैसे पता चलता है कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को देख के कि इन दोनों में बैलेंस अगर डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है, तो हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन। अगर यहाँ 12,000 हैं, यहाँ भी 12,000 होते, सेम होता, इक्वल होता, तो हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अमाउंट मुख्तलिफ है, हम बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं जी। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बच्चों, चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, चेक जमा तो करवा दे लेकिन शो नहीं हो रहा। मैंने तमाम के तमाम साइन के ऊपर वीडियो बनाई, तो प्लीज़ वो वीडियो लाजमी देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है। ये कह रहे हैं भाई चेक जमा करवा दिया लेकिन शो नहीं हो रहा, इसको हम लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं लेट डिपॉजिट या लास्ट डे डिपॉजिट। जब आप लास्ट डे डिपॉजिट करवाते हैं, लेट सपोज़ जनवरी का महीना है और ये जो है 30 तारीख है, 30 तारीख को बैंक स्टेटमेंट बन के निकल गया बैंक से कंपनी आने के लिए और आपके राइडर ने उसी वक्त कैश जमा करवाया, डेफिनेटली वो जो आपने एंड में कैश जमा करवाया वो आपका अपेयर नहीं हो रहा होगा बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन आपने तो जमा करवा दिया। अब आप क्या करोगे, आप कर दोगे बी प्लस, अब बी प्लस और बी माइनस ये दोनों साइन यहाँ पर आएंगे। बी प्लस है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, अगर बी माइनस होगा तो मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, अकाउंटिंग में हम माइनस को ब्रैकेट से शो करते हैं। सी प्लस और सी माइनस यहाँ शो होंगे क्योंकि सी का मतलब है कैशबुक, प्लस का मतलब एडिशन, अगेन सी का मतलब कैशबुक, माइनस का मतलब सब्सट्रैक्शन, हम डिडक्ट कर देते हैं अमाउंट को। बी का मतलब क्या है, बैंक स्टेटमेंट, प्लस का मतलब एडिशन, देन बी माइनस का मतलब है बी स्टैंड फॉर बैंक स्टेटमेंट, माइनस स्टैंड फॉर डिडक्शन, ठीक है। तो सी प्लस सी माइनस के साइन इस कॉलम में आएंगे, कैशबुक वाले कॉलम में, क्योंकि सी का मतलब कैशबुक होता है। बी प्लस बी माइनस के साइन जो है बैंक स्टेटमेंट के अंदर आएंगे क्योंकि बैंक का बी का मतलब बैंक स्टेटमेंट होता है। चेक डिपॉजिट बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा कि जमा तो करवा दिया हमने लेकिन जो है वो शो नहीं हुआ, तो ये क्या है लेट डिपॉजिट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस के साथ 15,000। प्लस के साथ क्यों लिखा है, क्योंकि ये लेट डिपॉजिट है, यानी कि हमने पैसे जमा करवा दिए, सी प्लस कर चुके हैं, बी प्लस होना बाकी है। बी प्लस कौन करेगा, बी प्लस जो है हमारे बैंक वाले कर देंगे क्योंकि पैसे जमा करवा दिए, लेकिन क्योंकि लास्ट डे करवाएं पैसे जमा, इसलिए जो है साइन बैंक स्टेटमेंट में अपेयर नहीं हो रहा, हमने लिख दिया बी प्लस। नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो है चेक डिपॉजिट बट नॉट प्रेजेंटेड एट बैंक। अच्छा, नॉट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, एक ही चीज़ होती है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने दी थी अपनी लास्ट वीडियो में, अगेन थोड़ी सी दे देता हूँ मैं कि जब हम चेक इशू करते हैं तो हम करते हैं सी माइनस, क्योंकि हर चेक की एक लाइफ होती है, वो होती है 6 मंथ। बैंक हमें कहता है कि जो भी चेक आपके पास है उसकी 6 महीने की लाइफ है। लेट सपोज जनवरी का चेक है, तो जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून की 30 तारीख तक आप कैश करवा सकते हैं। जून की 30 तारीख के बाद वो चेक एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी लीगली कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, अब अगर आपने किसी को चेक दिया है तो आपके पास से पैसे जा रहे हैं, आपने सी माइनस कर दिया और उम्मीद की होगी कि बैंक में बी माइनस हो जाएगा जब वो अमाउंट निकालेगा तो। लेकिन हुआ क्या, जिसको आपने चेक दिया है उसको भी ये बात मालूम है कि चेक की लाइफ 6 महीने की है, उसको ज़रूरत नहीं थी या टाइम नहीं मिला, वो निकाला नहीं उसे बैंक से आपके, तो बी माइनस होगा नहीं। जब चेक निकाला नहीं तो बी माइनस नहीं होगा। तो यहाँ पे शो हो रहा है नॉट प्रेजेंटेड कि प्रेजेंट ही नहीं किया चेक आपके सप्लायर ने, लेकिन आज नहीं किया, कभी ना कभी तो करेगा भाई, चेक उसके पास है, पैसे तो हर बंदे को ज़रूरत होती है, आज नहीं तो कल निकालेगा पैसे वो। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, बी माइनस आप देख रहे होंगे क्योंकि ये माइनस का साइन था, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया। अमाउंट है आपका 32,000 रुपये। थर्ड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, सी प्लस का साइन है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर सी प्लस क्यों होता है, कस्टमर ने हमसे, हमें बिना बताए, हमें बिना इन्फॉर्म किए पैसे जमा करवा दिए, कहाँ पे, बैंक में। जब बैंक में पैसे आ गए तो बैंक में क्या होगा, बी प्लस, बैंक से आएगा तो बी प्लस, निकलेंगे सी बी माइनस। अब जब कस्टमर ने पैसे जमा करवा दिए, डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिए हमारे अकाउंट में, बी प्लस हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, सी प्लस। हमें कब पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में कस्टमर ने पैसे जमा करवा दिए, हमें पता चलेगा जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आएगा महीने की 30 तारीख को। हमने कहा भाई ये तो बशीर भाई ने जो है जमा करा दिए पैसे, कितने, 8,000 रुपये, तो हमने भी यहाँ पे सी प्लस कर दिया। देख रहे होंगे आप सी प्लस है तो कैशबुक के कॉलम में लिखा है, बी प्लस है तो मैंने बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में लिखा था। नेक्स्ट, डिसऑनर चेक, भाई चेक हमारा जो हमें क्लाइंट ने दिया था वो कैंसिल हो गया, मुस्तर्द हो गया, बाउंस हो गया। डिसऑनर के साथ एक और लफ्ज़ यूज़ होता है NSF, नॉन सफिशिएंट फंड का, कि भाई चेक हमारा कैंसिल हो गया। जब भी चेक हमारा कैंसिल होता है हम सी माइनस करते हैं, और क्यों करते हैं इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। विद एग्जांपल ये सी माइनस है तो मैंने अगेन इसका जो लिखा है, मैंने कहाँ लिखा है इसको, मैंने कैशबुक के कॉलम में, माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया समझाने के लिए आपको, लेकिन आपको सिर्फ ब्रैकेट लगाने, ब्रैकेट का मतलब क्या है, माइनस, जहाँ ब्रैकेट नहीं है उसका मतलब है प्लस। अगेन आगे पॉइंट नंबर 5 है बैंक सर्विस चार्जेस। बैंक जो भी हमें सर्विस देता है उसके पैसे काट लेता है हमारे अकाउंट से, बैंक कर देता है बी माइनस, तो हम यहाँ पे सी माइनस कर देते हैं। कोई भी चार्जेस होंगे, चाहे वो लोकल रेंट हो, बैंक सर्विस चार्जेस हों, चेकबुक चार्जेस हों, अकाउंट चार्जेस हों, आपने हमेशा क्या करना है, सी माइनस, सी माइनस करना है। हम कैशबुक के कॉलम में आ गए और हमने माइनस कर दिया। अब लास्ट जो हमारा साइन है 6, प्रॉफिट गिवन बाय बैंक। बैंक हमें कोई भी चीज़ देगा, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो डिविडेंड हो, जब बैंक हमें कोई भी चीज़ देगा तो हम उसे करेंगे सी प्लस। ये मैंने सी प्लस था, मैंने कैशबुक के कॉलम में लिख दिया। अब आप इसी कैलकुलेशन करेंगे। अब सवाल ये, सर कैलकुलेशन कैसे करें? बैंक रिकॉन्सिलेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक ये और एक और तरीका है। ये तरीका सबसे आसान लगता है, इसलिए मैं बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व करें। पहले लिखेंगे आप 12,000 प्लस करेंगे उसके अंदर 8,000, माइनस करेंगे 1,500, माइनस करेंगे 500, प्लस करेंगे 2,000, तो 20,000 हो जाएगा यहाँ पे। अगेन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बैंक स्टेटमेंट वाले कॉलम को आप लिखेंगे 37,000 प्लस 15,000 माइनस 32,000, आ जाएगा आपका 20,000। ये अमाउंट आपका बराबर आ गया। याद रखिएगा कि ब्रैकेट वाली चीज़ को माइनस करना है, ब्रैकेट नहीं है तो प्लस हो जाएगी। नीचे लिख देंगे आप एडजस्टेड बैलेंसेस, क्योंकि हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाने का पर्पज़ ये होता है कि हमें दोनों अमाउंट को बराबर लेकर आना है। सवाल सॉल्व हो गया क्योंकि अमाउंट बराबर आ गया। आप कॉपी कर लीजिए सवाल को प्लीज़।